सुबह हो गई है तो आप सोच रहे होंगे ये मरा हुआ आदमी कौन है। आई मीन सोया हुआ। तो मैं हूँ समीर और ये है मेरी जिंदगी की कहानी। तो चलो आओ देखते हैं। पापा शर्मा जी के लड़के ने किसी को तो भगा लिया। कल वो मिश्रा जी बात कर रहे थे। छी। और ये तो मेरे पापा है। मस्त बायोलॉजी के एग्जांपल देते हैं, वो भी बिस्किट यूज करके। छी। यार जमाना आ गया। क्या क्या बात कर रही हो दीदी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुत्ते, ये कौन सी अच्छी बात है? और ये बता, कल बर्तन धोने की तेरी बारी थी ना? नहीं करते। अच्छी बात नहीं है ये, गलत बात है ये। अगर बाहर किसी को पता चला तो लोग थूकेंगे हम पे। थूकेंगे हम पे? नॉनसेंस। पापा आप तो प्यार में एक ही लड़के हो ना। यार कुछ नहीं होता। अरे लव लव इसलिए तो आपने इस बुटकी के बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट किया। वो बच्ची है। वो बच्ची थोड़ी है, 3 साल बड़ी है मुझसे। देखो सीधे सीधे मान जाओ कि तो मैं सब सच बता दूंगा। मम्मी ने जाने से पहले को मेरे को सब बता दिया था। समीर कौन सा सच? छोड़ ना चुटकी। बता ना समीर। तू बता पापा। सुनने दो उसको, बड़ी नहीं है वो घर की। सुनने ये तब की बात है जब मम्मी और पापा 12th में थे। अक्सर कंबाइन स्टडी करते थे। एक दिन बायो की कंबाइन स्टडी करते वक्त पापा मम्मी को थ्योरी सिखा रहे थे। थ्योरी सिखाते सिखाते गलती से प्रैक्टिकल हो गया उनका। क्या? हाँ तभी तो मेरी छोटी आइट वाली बड़ी बहन का प्री प्रोडक्शन हो चुका था। इसीलिए तो पापा मम्मी ने भाग के शादी की। क्या? इसलिए तो पापा मम्मी ने भाग के शादी की। भैरी शर्म नहीं आती अपने बहन के सामने ऐसी बात करते हुए? नालायक। आती है। देखो पापा, वो दिन भर लड़कियों जैसी हरकतें करने वाला किसी को भगा सकता है तो मैं तो फिर एक मर्द का लड़का हूँ ना। तू भी उसके जैसे लड़कों को भगाएगा क्या? इधर देख। लड़के को भगाएगा? तेरा मतलब शर्मा जी के लड़के ने किसी और लड़के को भगा लिया? भगा लिया। इधर देख। अभी ऐसे ख्याल आते रहते हैं, तू समझ इस बात को। अगर तू मर दे और तेरे को पता नहीं तो एक एग्जांपल ले दे। ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल कभी एक से मिल नहीं सकते ना। नहीं मिलते ना तो एक का साउथ होना जरूरी है। समझा? समझी क्या तू? नॉनसेंस। वो तो तेरा दोस्त था ना, कभी तू तो वही तो नहीं कर। समीर कोई तू तो वही ना। नहीं नहीं नाश्ता करो जाओ काम पे जाओ। हेलो मादर चोद। हर बंदे के लाइफ में एक चूतिया दोस्त जरूर होता है, लेकिन वो कुत्ते जैसा लॉयल होता है। और ये है मेरा कुत्ता दोस्त, मेरा मतलब चूतिया नहीं, मेरा मतलब बेस्ट फ्रेंड आशीष। हाँ चाय के टपरी पे आज आज का प्लान फिक्स है ना? हाँ एक लड़की से मिलने जाना है। हाँ हाँ पता है तुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर बाप की बात तो मानना पड़ेगा। समझा क्या झटके? हेलो बोल क्यों नहीं रहा? हेलो वैसे बेटा मैं उसका पहला बाप बोल रहा हूँ, तुम कौन से बाप बोल रहे हो? अंकल वो समीर है क्या घर पे? हाँ है ना बेटा, अभी बुलाता हूँ। समीर। हाँ पापा। जरा या तो आना। हाँ क्या हो गया बाबा? कौन है? तेरे दूसरे बाप का फोन आया है। दूसरा बाप? मारा तुझे मैंने, मारा है? एक्टिंग करता है, एक्टिंग। नहीं नहीं इधर मार रहा है, उधर हाथ लगा रहा है। देख हाँ देख हाँ
ऐसे कोई दोस्त पालते आशिक वाशिक? अरे पापा उसके मम्मी पापा लैला मजनू थे ना ऐसे। हाँ हाँ ऐसे कैसे क्या थे क्या वो सब छोड़। हाँ। वैसे वो लड़का बोल रहा था तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है क्या बात हाँ? ये पकड़। हेलो हाँ मिश्रा जी खाली निकल ही रहा समीर ना हाथ से निकल गया साले देख के फोन कर लिया कर किसने उठाया सोचा तू उठाएगा पर तेरे बाप ने उठाया वो भी इस उम्र में। साले सुबह सुबह डबल विनिंग बातें मत करा अब कौन आ गया भैंच। और ये है मेरी बहन का 3 साल छोटा हाइट में बड़ा बॉयफ्रेंड छोटू। ऐसा समीर साले उतरावस दिख ले तू तेरे बाप जैसा पापा बोलेगा क्या लो केले ले लो 60 रुपए दर्जन। अरे भोसड़ी के तेरे बाप ने चाय के साथ केला खाया था रे कहां से लाया रे इसको सुबह सुबह क्या रहता तेरा दूध डालना शुरू कर दिया क्या हमारे घर। आई रानो बहुत मजाक कर रहे तू एक बार ना फूल किसे भी मेरे भाई से इसमें लग गया था उसी गांव में अभी जो दिया क्या काम के लिए चले गया था ना याद है मेरे को याद है भाई। अरे वो नहीं है भाई घर पे नहीं होता ना उसी को मेरे में देखने की हालत नहीं है मैं तो चला आइटम बाप को जाते देखा था। अरे बच्चों अरे तुम समीर भी वो निकला क्या बात कर रहे क्यों भाई हेलो कहाँ है वैसा ले हाँ घर के नीचे आ जाओ हाँ वेट कर रहा हूँ आ जाओ क्या हुआ भाग क्यों रहा है। अरे कुछ नहीं वो कुत्ती पीछे पड़ गई थी। हाँ तो फिर क्या भागा नहीं तो काटी रहती वैसे कटवाने से आता है वो पूजा ने अभी भी लटका के रखा है ना। साले पूजा के बारे में कुछ नहीं आप समझा ना पर वैसे भी तेरे कॉल पे क्या चालू था साले पूजा के बारे में कुछ नहीं आप सोच रहे होंगे ये पूजा कौन है। तो ये है पूजा मेरे बचपन का प्यार इसके अलावा मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है पूरा लॉयल हूँ मैं वन साइडेड लड़के तो जानते ही है। क्या भाई लोग क्या चल रहे एक मिनट फोन आ गया। भाई बोली तेरे को बोली तो भाई बोलती ना भाई लोग क्यों बोली कुछ नहीं ये साले को कुत्ती काटने वाली थी को? अरे वो दिन भर कुत्ते जैसी हरकतें जो करता रहता है क्या? इतने परेशान क्यों हो लेकिन अरे कुछ नहीं रे आज शर्मा जी के बेटे की बात हुई सुबह सुबह तेरे को मालूम क्या साला वो निकला क्या छक्का निकला। अरे हाँ पर मेरे बाप को लग रहा है कि मैं भी छक्का हूँ साला मैं तो बोलता ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई क्यों पूजा पूजा ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए ना। हाँ सही बात है तू बता क्या कैसे आना हुआ मेरा बाप पहले तो वो हुआ फिर तुम हुई साले चुप मजाक करते रहता रहे वो मेरा मतलब शुक्ला के पास इतना पैसा है लेकिन कंजूस मुझे देता ही नहीं है। क्या बात करते तुझे पैसे नहीं देता साला फकीर कंजूस मक्की चूस चूसने की आदत है साले को इसको पैसे मेरा बाप है तेरा नहीं।
हाँ, खून चूसने की आदत तुम्हें उसी से लगी है। साले, अरे छोड़ना, बहुत मजा किया है ये साला। तो बता करने का क्या है? तो हम लोग एक करेंगे छोटी सी चोरी। छोटी सी चोरी? छोटी सी चोरी? हाँ बस छोटी सी चोरी। छोटी सी चोरी? अरे छोटी सी चोरी क्या होती है, डाका डालने के लिए पागल औरत। मैं तुम्हें कह रहा था यार, ये लड़की ठीक नहीं है, चल यहाँ से, चल। अरे सुन तो ले यार, सुन ना प्लीज मेरे। ठीक है बोल बोल। तो कल शुक्ला को रास्ते में आते आते कोई पैसों से भरा बैग मिला था। पैसों से भरा बैग? हाँ। ऐसे पैसे मतलब? 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख लॉटरी लगी है क्या? आराम से आराम से, यहाँ पे बात करना सही नहीं है। उसको वो पैसे मिले कहाँ से? एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। और ये है शुक्ला जी, गुरु जी के परम भक्त। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला। कितना हुआ भैया? 69 हुआ। 69? 69? वो कहा है ना भैया कि हमको हिंदी और मराठी में अंक समझ नहीं आते हैं, आप अंग्रेजी में बोलोगे? अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हुआ 69। 69? हाँ। अभी देते, अभी देते, पहले बोलने का है मेरे पास। दो दो, जल्दी दो। हाँ है, और दूसरा कस्टमर भी आता है। हाँ सही बात है तुम्हारे लिए। 20 या 10 जमा करे पूरा? हाँ भैया जी, ले लो पूरा। है पूरा? ले पूरा। पूरा आते हैं? तो कहाँ कहाँ आते हैं? क्या हो गया? हमने तुमको पूरा दिया। हम पूरा दिया? हमको देना चाहिए ना। 69 मतलब 69। ये छुट्टा कहाँ से लाओगे? अब तुम कब मिलोगे? देंगे ना अगली बार। हटो अंकल तुम। तो बुढ़ बो हम देते हैं ना 69। चलो ना हमारे साथ। ये छी, ए बाबा तू, ए बुढ़ बो, बुढ़ बो हमरा पैसा दे दो। रुको जरा। अरे पूरा पैसा देना मांगता है भाई, ऐसा नहीं करते रे। पैसा दे, 1 रुपया दे दो पूरा। कौन था तुम्हारा? सब पैसा मुझे 1 रुपया नीचे जाओ। कट-कट टाइम खोटी कर दिया। फ्री में तो हम कुछ भी नहीं लेते, जाने दो। ओ बुढ़वा, ये बुढ़वा पैसा तो पूरा लेता है और पूरा दिन रात होता है। चलो रे, पूजा बेटी पानी लाओ रे, जरा थक गए हम, इतना दूर है रे। गुरुजी, 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 अरे आपने हमको अकेला चलने को बोला, हम अकेला अकेला चल गया। हमने भाभी जी को भी नहीं कहा लेके गए। अब तुमने हमको बोला अकेला चलो, हम अकेला चल रहे। तुमने हमको बोला तुम्हारी सेवा करो, हमने आपके गोदे में बैठ के आपकी सेवा कर दी। अब हम क्या बताएं गुरुजी, अब इतना टेंशन आ रहा है, बाल बच्चे हैं हमारे, हम कैसे करें? आपने सिर्फ 70 रुपए दे के हमको निपटा दिया, ऐसा नहीं चलता है ना, ऐसा नहीं चलता है। अब अभी कुछ तो कर दो। हम का बोले, का बोले गुरुजी, गुरुजी आपका ही सहारा है गुरुजी, अब आपका ही सहारा है। अहम ब्रह्मास्मि गुरुजी। अब पूजा बेटी पानी लाओ रे, कितने बार बताया हमको, बैठते हैं जरा सा। अरे हाँ कपड़ा लाए थे कुछ बिचवा के लिए, कपड़ा लाए। ये पूरा लाइट दिया हमने, पूरा पूरा बिल दिया, फिर भी लाइट जाता है। पैसा, पैसा, इतना पैसा, पूछो बेटी पैसा देखो। गुरुजी ने हमें इसकी, गुरुजी गुरुजी पैर पड़ो, गुरुजी के पूजा बेटी पैर पड़ो, इतना पैसा दे आपको, इधर से ला लेंगे। हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, आ गया आ गया आ गया, पैसा आ गया। अरे बेटा अब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी शादी करवा देंगे अभी, अब तुम खुश रहोगे बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ?
पास। अच्छी बात है ना, पैसा आ गया। खुश रहो, हंसो हंसो बेटा हंसो। अच्छी बात है, पैसा 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 डालो बाग में। कहाँ है? चलो गुरुजी, गुरुजी फिर से आपकी बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद लेने हम फिर आएंगे गुरुजी। चलो गुरुजी इतना कहा है तो चलो बेटा, चलो आप अंदर डालो पैसा, चलो मेरे पीछे। लेकिन कहा जा रहा है आप? अरे तूने कहा था ना एक सीक्रेट प्लेस चाहिए, ऊपर मस्त जगह। अरे नीचे ले हाथ। वैसे उसको पैसे मिले कहाँ से? पता नहीं, कह रहे थे कोई गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी का आशीर्वाद? गुरुजी का आशीर्वाद? तो ये बताओ हम ये चोरी करेंगे कैसे? तो कल सुबह सुबह शुक्ला चला जाएगा ऑफिस, उसके बाद मैं भी काम पे जाने का नाटक कर लूंगी, फिर दोपहर को हम सब मिलके एक चोरी करेंगे, मैं तुम ये और चीकू। चीकू कौन है? मैं। तुम यहाँ कैसे आई? नरेशन चालू था, आ गई। राइटर कौन है? ओके सॉरी। तो सुनो, कल दोपहर को हम लोग जाएंगे मेरे घर पे, क्योंकि तब बिल्डिंग का वॉचमैन गहरी नींद में सोया हुआ है। ठीक है? ठीक। मेरे पास घर की चाबियां है, हम लोग घर पे जाएंगे, पैसे चुराएंगे, 2 लाख में से 1 लाख तुम्हारे 1 लाख हमारे, और फिर हम लोग करेंगे पार्टी। पूजा ने कहा चोरी करनी है, तो फिर क्या भाई, अगर पूजा जान देने भी कहते ना तो हंसते हंसते दे देते, चोरी क्या चीज है। तो हम चले गए चोरी करने। हाय हाय। ये क्या पहन के आए तुम लोग? अरे चोरी कर रही थी ना, अब किसी को शक नहीं होएगा। सूती चल 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 चल। साला वॉचमैन तो सोया हुआ है। जब देखो तब सोया हुआ रहता है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे पहली चोरी है ना, एक सेल्फी तो बनती है। चलो चलो कर रहे हो। ओए चूतिए, 2 लाख के 2 रुपए नहीं, उसमें क्या ढूंढ रहा है? इसके नीचे देख। कहाँ हो सकते रे ये रूम में? तो नहीं, अंदर नहीं है पैसे। इधर भी नहीं है। मेरे को लगता है इसी हॉल में कहीं छुपे होंगे। ढूंढो फिर। हम अब कौन आ गया? पेस्ट कंट्रोल वाले होंगे शायद। पेस्ट कंट्रोल वाले? हाँ रुक मैं देखता। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था, वो माजी ते आले ना, कितना लगता है तेरा? आंटी हाँ पूजा बेटी,
यह चड्डी सुखा ले रखी है, तुम ऊपर डाल दो, हम काम को जाता हूँ। पापा की वो आवाज मत करो, आवाज मत करो, पैसा ढूंढो, पैसा ढूंढो, चलो 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 ढूंढो। अब कौन आ गया? अभी पक्का पेस्ट कंट्रोल वाले होंगे, एक काम करो तुम लोग वहां पे सोचो। कौन? पेस्ट कंट्रोल मैम। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके घर में चोर चोरी करे मैम। मुझे सब पता रहता है, अभी काम से पेस्ट कंट्रोल सर्विस से हूँ मैं। अच्छा, लेकिन भेजा किसने आपको यहाँ पे? मुझे शुक्ला जी ने भेजा है, आपके घर में पेस्ट कंट्रोल करना है, यहाँ पेस्ट कंट्रोल करना है, यहाँ पेस्ट कंट्रोल करना है, सब जगह पे पेस्ट कंट्रोल करना है। इधर से आवाज आ रही है मुझे। वो चूहे हो गया ना? चोर चोरी करे मैडम, मैं देखो एक बार। नहीं 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 नहीं, एक काम करो आप कल सुबह आ जाना, मतलब कैसे मैं उनके बोल के रखूंगी ना, उन लोग बाहर आ जा करके। हाँ कल सुबह। हाँ कल सुबह। ओके मैडम चलेगा, ये हमारा कार्ड है, हमारा सर्विस है क्रांति पेस्ट कंट्रोल सर्विस, लो प्राइस है, अच्छा सर्विस है, 6 महीने का गारंटी है, इसमें नंबर दिए है, आपके फ्रेंड रिलेटिव वगैरह सभी को बता दीजिए। जरूर जरूर। ओके मैडम चलेगा, थैंक यू। थैंक यू सर। अरे क्या है ये, कौन, कितने लोग आ रहे तेरे घर पे? अरे पेस्ट कंट्रोल वाले हैं वो। पैसे दो, पैसे दो। अरे इसी में तो पैसे निकालो, उसको मिल गए, मिल गए। अरे पैसे, ओ पैसा, 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 पैसे, 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 पैसा, 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 पैसा। अब हम अमीर बन गए, अब हम अमीर बन गए। बंद कर लो और तुम लोग मेरा पीछा करो, मेरे साथ चलो। वॉचमैन जगा हुआ है क्या? हाँ तूने तो कहा था वॉचमैन सोया हुआ होता है। हाँ कल पूरा दिन ऑब्जर्व तो किया था मैंने। पूरा दिन? अरे पूरा दिन क्या होता है, उसमें हाई स्कूल प्रोफेसर ने इतने साल मेहनत की थी फिर भी उसके लगा और तू कह रही पूरा दिन? तो मैं अरे पूरा दिन ऑब्जर्व किया था। अरे अरे बहन चोद, क्या मैं सच कह रहा हूँ, ये पागल तुझे तेरे प्यार में कुछ भी कर देगा, और मैं इसकी दोस्ती में यहाँ पे चोरी करने आ गया बहन चोद। तो अब क्या? सुनो एक काम करते हैं, तुम दोनों वॉचमैन का ध्यान बटाओ और हम दोनों पीछे से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, समझे? चलो 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 चलो। कोई है, मदद करो वॉचमैन। अरे क्या हुआ इसको, पीठ पे डाल दो। क्या हुआ इसको? कुछ नहीं, बेहोश हो गया है। क्यों? अरे मैं आइटम से मिलने आया था। हाँ तो उसमें बेहोश होने वाली क्या बात है? अरे अपने दोस्त को भी देख लिया ना उसने आइटम के साथ। अरे ऐसा देखे तो कोई भी बेहोश हो जाएगा। है ना, वैसे तुम इसका कौन? मैं उसका वही दोस्त। काफी गहरी दोस्ती लग रही है साहब। गहरी है, गहरी है। वैसे एक और बात पूछू क्या? अरे पूछो ना। वो लड़की कौन? लड़की क्या? हाँ एक मिनट, वो लड़की ना? हाँ लड़की ना, वो लड़की, लड़की ना तुम्हारी बेटी। अरे बक्चो तो अभी तक वर्जिन हूँ मैं। साले बहुत मच्छर हो गया बे। फाइनली फाइनली हमारा प्लान कामयाब हुआ और हमने सारे पैसे चुरा लिए। होना ही था, ये सब मैंने तुम्हारे लिए जो किया है। तुम्हारे नहीं, हमारे लिए बोलो, ये सब हमारे फ्यूचर के लिए है, के लिए है। और आदित्य पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं चल रही है, बस ठुकाई चल रही है। क्या बात कर रहे हैं, कॉलेज जाके भी अटेंडेंस नहीं। अभी वो देख तो समीर की जीएफ है ना? अरे हाँ वो समीर को घुमा रही है पता है। वो इधर क्या कर रही है? पता नहीं यार। अरे समीर पागल है, उसने प्रपोज किया होता तो आज वो बैठा होता उधर। हाँ ना वो फटू है साला, रुक उसको कॉल करता। हाँ
एक काम करते उधर जाते हैं अपन। हाँ। इधर से देख लीजिए। हेलो, हाँ कहाँ पे साले? हाँ गार्डन में ही हूँ, जल्दी आ जाओ, इधर पूजा बैठी है। आज कुछ भी करके उसे प्रपोज करना है तुझे, ठीक है? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं पता तू आज प्रपोज करेगा हाँ या नहीं। हाँ ठीक है, मैं छुप के देखता। हाँ चल फिर मैं जाता हूँ, मुझे जा। हाँ चलेगा चलेगा। ये सब मैंने हमारे लिए किया है ताकि हम लोग हमेशा साथ रह सके। और तुम्हारे उस दोस्त का क्या जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ? कौन, समीर ना? हाँ शायद वो मुझसे प्यार करता है। कह दूंगी उसे, समझा दूंगी वक्त आने पर। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। जिंदगी के जब लगते हैं ना भाई तो बोल के नहीं लगते, और इस मोमेंट में मेरे क्या हालत है समीर, ये मैं बोल नहीं सकता। तू यहाँ कैसे? अरे शायद से आँख में कुछ तो चला गया था, निकल गया। अरे समीर ये ले ठंडा। बस अरे ले, अरे पी तो। बस ये कर क्या रही थी तुम? समीर तुझसे एक बात करनी थी बहुत दिनों से। कौन सी बात? उस दिन सुबह भी तेरे घर पे मैं इसलिए आई थी, लेकिन जब तूने शर्मा जी के बेटे के बारे में बात की तो मैं डर गई। कौन सी बात? यही कि मैं इससे प्यार करती। तो प्यार करती? मजाक कर रही है ना, मजाक कर रही है ना। शांत हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। बैठ के तू दूर रह। देखो मालूम था पूजा, मैं बचपन से सिर्फ तेरे को प्यार करता था। अरे मेरे दोस्त कितने लड़कियों की तरफ देखते, मैं देखता भी नहीं। तू जानती थी मैं तेरे से प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ यार, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिन लोगों से तुम्हें चिढ़ आती है, जिन लोगों की तुम्हें घिन आती है, जिन लोगों से तुम लोग बात भी नहीं करना चाहते। और क्या कहते हो तुम लोगों ने? छक्का ना? शायद इसी वजह से मुझे तुझे आज तक ये बात नहीं बता पाई कि मैं बायसेक्शुअल हूँ, और यही मेरी लज्जा। तू कोई बायसेक्शुअल नहीं है, ये लड़की तेरे को गलत सलत पट्टी पढ़ा रही है। तू दूर है इससे, डॉक्टर से बात करेंगे। तू दूर रह, समझे ना? नजदीक मत आ, यार तू नॉर्मल है, हम डॉक्टर से बात करेंगे, सब सही हो जाएगा। चल। नहीं समीर। तू दूर रह बोला ना? क्या हो क्या गया है तुझको? अरे समझ, इस नहीं सही नहीं है, अपन डॉक्टर से बात करते हैं। चल मेरे साथ चल, समीर बात करेंगे। समीर चुप। अरे पर सुन, बिल्कुल चुप, छक्की गई की। ए बगा बगा टिकड़े, बोला ना तुझे एक बार, समझ नहीं आता मैं इससे प्यार करती हूँ, कितनी बार बताने का। तो ये बता पूजा, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने किसको प्यार किया था? समीर।
रहे है? क्या रे कुतरा, दिन भर खा था और तेरा फोन क्यों बंद था? छोड़ना, अरे चल मुंह हाथ धो ले, खाना खाते। आज भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं, इतना सारा कौन खाएगा, तेरा बाप? ए चुटकी, मतलब सिर्फ तेरा बाप थोड़ी खाएगा, तू भी खाएगा और मैं भी खाऊंगी। चलो हम खाना खाते। छोड़, बोला ना नहीं खाना, एक बार समझ नहीं आता तेरे को? इसको सारा उसका टेंशन इसलिए है मैं खाऊं या नहीं। आज बर्तन कौन धोएगा, बर्तन धोने की बात दे रही है। अरे धो लिया कर, लड़की है तू। छोड़ो बाबा, करा तो इसकी शादी बुटकी गई की। समीर चुटकी, शांत हो जा, चल रो मत, बैठ इधर शांत हो जा। कैसे बोल सकते हैं? हां ये तेरा परेशान है इसलिए बोल दिया। शांत हो जा, चल खाना खाते, चल उठ। मेरा जब दिल टूटा ना भाई लोग, तो मुझसे ज्यादा बुरा मेरे दोस्त आशिक को लगा। तो उसने बदला लिया पूजा से, उसने कुछ ऐसा कर दिया भाई कि पूजा के कॉल्स पे कॉल्स, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं मुझे। कैसे दोस्त मिले? उससे बड़ी बात यह है, पूजा और मैंने मिलके जो पैसे चुराए थे ना, वो पूजा के बाप के नहीं थे या किसी गुरुजी ने नहीं दिए थे, वो थे एक भाई के। चल भाई मत मारो, साला पैसा लेके भाग गया। किधर है पैसा, किधर है? साला पैसा लेके भाग गया भाई, किधर से भी ढूंढ उसको, मेरा पैसा निकल गया। हे गाइस, व्हाट्स अप, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, आपको स्टोरी समझी होगी। ये स्टोरी जिस चीज़ के बारे में, वो पॉइंट आपको समझ जाए। exactly. अभी आधी स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी नहीं है। तो इतना जल्दी अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू मत रखना, हमने किसी को भी गलत चीज़ से डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, एक फ़नी वे में दिखाने की कोशिश की है। और अलग बात हो गई, वो बात छोड़े, तो सेकेंड एपिसोड में लाइव देख रहा हूँ, मेरे सामने है। एंड फर्स्ट एपिसोड से इनसेन है भाई लोग, इंशाल्लाह कि माइंड ब्लोइंग, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत मतलब बहुत लाइक भाई, उसके अंदर भाई वाला जो पार्ट है ना, ये नहीं दूंगा स्पॉयलर्स, नो स्पॉयलर्स। हाँ, तो अगर इसको पसंद आया तो कुछ दिनों में लगे जाने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा बीच में वीडियोस के, तो टेंशन मत लेना, एक 4-5 दिन नहीं तो 2-3 दिन बस खलास। एंड वीडियो में मतलब क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको सीक्वल्स चाहिए, क्योंकि हमने सोचा है इसका हम एक सीक्वल्स निकालेंगे, अगर लाइक्स या व्यूज़ ज़्यादा जाते, लाइक्स के हमें परवाह नहीं, व्यूज़ ज़्यादा जाते, ज़्यादातर ज़्यादा शेयर होता है, तो हम सीक्वल निकालेंगे। ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं होगा, ये कुछ और होगा, बट यही कैरेक्टर्स होंगे और बहुत अच्छा होगा और यूनिक होगा, थोड़ा और थोड़ा यूनिक होगा और देखने में मजा आएगा। लाइक हिंट दे तू तो मिर्ज़ापुर टाइप है और एग्जैक्टली। तो तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, बिहाइंड द सीन्स की बात की है तो इसके पीछे नहीं डाला हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स के अलग वीडियोज आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।